और बिल्कुल टीएमसी की अगर बात करें तो 18 से 21 सीट का अनुमान टीएमसी का जताया जा रहा है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जिनको लेकर के टीएमसी के खाते में 18 से 21 सीट जा सकती है, एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अनुमान जो है वो अगर एनडीए की बात करें तो 21 से 24 सीट का है, और जैसा मित्र साहब अभी जिक्र कर रहे थे, और साथ ही साथ झारखंड का भी जिक्र करना यहां पर जरूरी हो जाता है। वहां की क्या स्थिति है झारखंड की, 9 से 12 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अनुमान के मुताबिक एनडीए को 9 से 12 सीटों का अनुमान है, और झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो बाकी 3 से लेकर 5 सीटों का अनुमान एनडीए गठबंधन को दिखाई दे रहा है। जा रहे हैं कि 23-24 सीटें पिछली बार के एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिखाई थी, लेकिन इस बार तो 18 तक खिसका दिया ना। देखिए वही बात है, आपने कहा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, आपने जो सैंपल साइज लिया उससे बेहतर तरीके से एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है, नतीजे 4 जून को आएंगे, राखी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे जो है उनके, देखो समीकरण क्या थे हेमंत जी, ये भी देखना जरूरी है कि उस समय कांग्रेस की क्या स्थिति राजस्थान में थी, जयपुर में, झुंझुनू में, राजसमंद में, बांसवाड़ा में कैसी स्थिति थी कि लोग जो है